जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए लांस नायक दिनेश सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाया था। उनके इंतजार में करीब दो घंटे तक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे थे। वहीं आज उनका पार्थिव शरीर अल्मोड़ा आ सकता है। शहीद दिनेश सिंह की शहादत को अरविंद पांडे ने नमन किया और उनकी शहादत को देश प्रदेश और परिवार के लिए क्षति बताया। हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे प्रदेश, इसकी पहचान हमारे सैनिकों के बलिदान से है और उसी कड़ी को निभाते हुए हमारे यहाँ के फौजी श्री दिनेश जी आज शहीद हो गए हैं। निश्चित ही उनके परिवार के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कुछ लोग जिंदा रहते हुए अपने नाम को सदा के लिए अमर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने देश, अपनी संस्कृति के लिए शहीद होकर जीवन भर के लिए अपना नाम कर जाते हैं। उसी कड़ी को निभाते हुए हमारे सैनिक शहीद हुए, मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और अमित उप्रेती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। अमित, जानना चाहेंगे कि शहीद का पार्थिव शरीर आज अल्मोड़ा कब तक पहुंचेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के ये हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए अल्मोड़ा के जो लांस नायक है दिनेश सिंह का पार्थिव शरीर जो है कि अल्मोड़ा में कल पहुंचना था, लेकिन मौसम खराबी के कारण और अन्य चीजों के कारण जो है वो कल यहाँ नहीं पहुंच पाया। और आज जो बताया कि जो आर्मी से जो उनकी सूचना ये कि कल वो चंडीगढ़ पहुंचा था, चंडीगढ़ से जो है आज वो बरेली आएगा। अगर मौसम सही रहेगा तो मौसम तो आर्मी के चौपा द्वारा जो है अल्मोड़ा उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर मौसम खराब ही अगर होता है तो उनको बरेली से आज जो है अल्मोड़ा की तरफ उनको लाया जाएगा। जब से ये सूचना मिली है, गाँव हो, पूरा अल्मोड़ा जिला हो, पूरे उत्तराखंड में, तब से जो है शोक की लहर बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी देने के लिए।